दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, बस आप लोगों से बात करने का मन किया क्योंकि आप लोग हो मेरी फैमिली। फैमिली से अपनी बातें हम बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या बताऊँ, आज मन में बहुत सारी बातें हैं जो आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, है ना। तो मैं आज, मेरे पिताजी को 4-5 दिन हो गए हैं डेथ हुए, और आज पूरा परिवार जो है एक साथ है, सब एक साथ खा रहे हैं, बना रहे हैं, अच्छा लग रहा है। और हम तो शुरू से ही चाहते थे कि सारा परिवार एक साथ ही रहे, भाई, दोनों भाई भाभी साथ रहें, ठीक है, सारा चीज़ है। और देखिए, फैमिली जो साथ में रहती तो ही अच्छा लगता है। और अभी मेरे घर सभी रिश्तेदार आना शुरू कर दिए हैं, आए भी हैं, कुछ आकर चले गए हैं। लेकिन दोस्त, बुरा एक बात का और ये लगा है मुझे, जो कि मैं सोच रही थी बोलूँगी, बुरा इस बात का लगा है कि पिताजी को मरे 2 दिन भी नहीं हुए थे और यहाँ पर हिस्से की बातें होने लगी, कौन कहाँ रहेगा, कहाँ रहेगा, कितने को कौन रूम मिलेगा। बड़ा ये चीज़ को थोड़ा सा टेंशन हुई, बोलना नहीं चाहिए सोशल मीडिया पर, बट मुझे बहुत बुरा लगा इस चीज़ का। और इसका फ़ैसला मेरे को दिया गया कि आप करो, मैं क्या करूँ फैसला, क्योंकि मेरे लिए देखिए दोनों बराबर हैं। और अभी मेरी मम्मी हैं और उनके दिल पे क्या गुजरेगी, ये भी आप किसी ने सोचा है क्या? किसी ने सोचा कि उनके दिल पे कि पति के 2 दिन नहीं हुए और अगर रिश्तेदारी की बात होगी, कौन कहाँ रहेगा, किसको क्या मिलेगा, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा हर्ट करती हैं, है ना। और मैं तो पिताजी को अभी भी महसूस करती हूँ कि अभी भी रहते हैं मेरे पास, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन थोड़ा सा हार्ड, क्योंकि देखिए 13वीं हो जाती 10वीं हो जाती, है ना, उसके बाद अगर बात की जाती तो अच्छा होता। मेरा भाई जो है किसी रीजन से या जो भी है तो चले गए थे रेंट पे रहने, तो फिर हम लोग चाह रहे हैं कि वो साथ में ही आएँ, क्योंकि देखिए परिवार है ये। पापा ने मकान बनाया, किसके लिए बनाया है? पापा तो लेकर गए नहीं हैं, पापा तो यहीं छोड़ कर गए हैं दोनों। मैं तो यही चाहती हूँ दोनों भाई लोग मिल के रहें, अच्छे से रहें, भले नहीं पट रहा है कोई बात नहीं, खाना बनाओ अलग अलग, लेकिन कहते हैं ना घर में रहो लेकिन किराएदार की जैसे मत रहो, कि सबके सब लोग सबके दुख सुख में शामिल हो, सब एक दूसरे के दुख सुख में शामिल हो रहें। भले आप अलग अलग बनाओ, लेकिन क्या करो कि बात करो एक दूसरे से, क्योंकि देखिए हम बहनें जो हैं, अगर तभी सुखी रहेंगी जब मेरी माँ सुखी रहेगी। अभी तो माँ का दायित्व है, और माँ को इस ऐसे समय पे छोड़ देना वो अच्छा नहीं है। और हम तो पूरी कोशिश करते हैं, एक लड़की होने का दायित्व हम निभाने की पूरी कोशिश करेंगे, जो हमसे बन पड़ेगा वो हम करेंगे। लेकिन अभी तो कर्तव्य ज़्यादा इनका है कि अब मम्मी पापा तो नहीं रहे, मम्मी हैं, तो अब देखिए क्या होता है। अभी तो सब लोग मिलजुल के हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं, सब हो रहा है। अब सब लोग चले जाएंगे, उसके बाद कैसा सिचुएशन होता है वो देखते हैं क्या होता है। मैं तो चाहती हूँ दोनों भाई अच्छे से रहें, क्योंकि देखिए हमारे लिए दोनों ही बराबर है। एक को तकलीफ होगी तो बुरा लगेगा, दूसरे को होगी तो बुरा लगेगा, है ना। तो मैं तो यही चाह रही हूँ दोनों लोग अच्छे से, हम मम्मी की ध्यान रखें, मम्मी की बीमारी, मम्मी की इलाज, हर चीज़ पे मम्मी का ध्यान रखें। क्योंकि आपको पता है मेरे पिताजी की पेंशन जो बहुत, मतलब 3000 रुपये पेंशन आती थी, बट आप सोचेंगे सरकारी में होकर भी 3000 पेंशन, तो हाँ दो, हाँ फ्रेंड्स, मेरे पिताजी को केवल 3000 आती थी पेंशन। 3000 में, अब पिताजी तो नहीं हो रहे, अब 3000 में भी कहते हैं ना, जब आदमी नहीं रहता तो औरत की पेंशन और आधी हो जाती, तो 1500। अब सोचिए 1500 में मम्मी अपना इलाज कराएंगी कि क्या कराएंगी, कुछ नहीं पता, है ना। तो देखते हैं, वैसे हम अपना कर्तव्य निभाएंगे, जितना हमसे होगा हम करेंगे। अभी तो मेरे पास कोई काम नहीं है, लेकिन मैं भाई लोगों को भी बोले, भाई उनकी देखभाल अब आप लोगों की जिम्मेदारी करेंगे, क्योंकि मम्मी जिएंगी तो अच्छा है, क्योंकि मम्मी ही हैं जो अच्छा एक छाया के जैसी हैं, है ना। बहुत सारी बातें हुई हैं जो घर में, बहुत सारी बातें हुई हैं जो हमने कहा है, हम सब कुछ तो नहीं बोल देंगे, लेकिन हम यही, अगर मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो बस यही मैं चाह रही हूँ कि मतलब मेरे मम्मी को कोई तकलीफ़ ना हो, अब मम्मी की आँख से आंसू ना आए, दोनों भाई लोग अच्छे से रहें, दोनों भाभी लोग अच्छे से मम्मी का ध्यान रखें बस, है ना। और आपस में झगड़ा ना करें, क्योंकि वह तो हर घर की बात है कि होता ही है, जब 4 रहते हैं तो बर्तन खनकते हैं, लेकिन मरने के 2-3 दिन के बाद ही ऐसी बातें होने लगी, तो बहुत बुरा लगा, हर्ट हुआ कि यार पिताजी को अभी तो कम ही दिन हुए हैं। लेकिन ठीक है, घर उन्हीं का है, सभी लोग अपने साथ में रहें। और पता है दोस्त, मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं प्रॉब्लम क्या हो रही है, दिमागी भ्रम है
कि क्या है कि शाम होते होते मेरे जो है आँखें बिल्कुल चढ़ जाती हैं और मैं पागलों की जैसी हरकत करती हूँ। मुझे लगता है कि मेरे अंदर कोई दूसरा ही वास आ गया है और बस मैं आँख बंद करती हूँ तो पिताजी दिखते हैं और पिताजी की सारी एक्टिविटी दिखती हैं और मेरी आँखें बिल्कुल अजीब अजीब से होते हैं। मुझे उस समय मैं हँसती बहुत हूँ, बहुत हँसती हूँ फिर रोती हूँ। पता नहीं, मुझे खुद नहीं समझ में मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्यों कर रही हूँ। अभी भी आप लोग देखोगे मेरी आँखें बिल्कुल चढ़ी पड़ी हैं। ऐसा क्यों हो रहा है मुझे खुद नहीं पता है, किससे दिखाऊँ, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ या फिर दिमाग वाले कोई डॉक्टर को दिखाऊँ, क्या मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, मुझे करीब मुझे 6 से 7 महीना हो गया मुझे ऐसे प्रॉब्लम आ रही है कि मतलब मैं अपने आप ही हंसने लगूँगी, हंसते रहूँगी, रोती हूँ, हंसती हूँ। और अभी ज़्यादा हो रहा है, पिताजी नहीं हैं तो, और अजीब अजीब से हरकतें करती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा हो रहा है, मुझे कुछ पता नहीं। आप लोग भी बोलेंगे कि पागल हो गई हूँ, तो पता नहीं दोस्त मुझे क्या हुआ, मुझे खुद नहीं पता। और अभी भी बात कर रही हूँ आप लोग से तो सिर बिल्कुल भारी हो रखा है। अभी कल गई थी, दान देते हैं ना, कहते हैं वो पंडितों को दान देते, तो गई थी बर्तन लेने और भी सामान लेने, क्योंकि बहन भी कितना दौड़ेगी। भाई गया था कार्ड छपवाने, जो मतलब पिताजी की, और है सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। अभी मैं भी जाऊंगी और कुछ बर्तन बचे हैं वो देना है दान करने के लिए और तेरही की तैयारी करनी है। बस क्या बोलूँ, बस मैं चाह रही हूँ मेरी मम्मी को कोई तकलीफ़ ना हो, बस यही चाह रही हूँ। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा बस जब भी मेरा दिल में कुछ होगा मैं आप लोगों से बातें करने आ जाऊंगी और आप लोग मेरी परेशानी, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली है तो आप लोग समझेंगे कि अनीता किस दौर से गुजर रही है, किस सिचुएशन से गुजर रही है। आप मेरी बातों को भली भांति समझेंगे। और अभी भी देखिए पूरी आँखें चढ़ी हुई हैं, अजीब सा हो रहा है और शाम होते होते और ज़्यादा परेशानी होने लगती है और अजीब अजीब सी हरकतें होने लगती है। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, मुझे खुद नहीं पता है। चलिए ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।